अगर चेहरे पर टैनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है, एक्ने के स्कार्स हैं, कई तरह के दाग धब्बे हैं, यहाँ होंठों के आसपास जो है अन ईवन स्किन टोन है, आंखों के आसपास झुर्रियाँ हैं और हाथों में जो है ड्राइनेस है, इस तरह रिंकल जैसे दिखाई देते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप दही का यूज़ कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही के फायदे। दही से हम अपनी स्किन की टोन चेंज कर सकते हैं, स्किन को स्मूथ, ग्लोइंग और बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं। दही से आप चेहरे की क्लींजिंग किया करें, बहुत ही बढ़िया क्लींजिंग होती है। इसके लिए 1 टीस्पून लेना है कर्ड, और उसमें आपने कोई भी कॉटन पैड डिप करके ना बहुत अच्छे से चेहरे पर मसाज करनी है। इस तरह से कॉटन पैड के साथ बहुत ही अच्छे से ये मसाज हो जाती है। आंखों वाला पोर्शन जो है बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नेक एरिया पूरा कवर करना है। बहुत अच्छे से क्लींजिंग कर लेंगे, 1 से 2 मिनट इसी तरह से कॉटन पैड के साथ ही मसाज कर लेनी है। उसके बाद कोई भी पेपर टॉवल लेके अच्छे से अपने फेस को साफ कर लें। क्लींजिंग के बाद ही आपको अपनी स्किन बहुत ही साफ सुथरी सी, बहुत ही क्लीन, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब जैसे आपने मॉइस्चराइजर लगाया हो, इस तरह की फील होगी। तो आप ये क्लींजिंग जो है ना डेली कर सकते हो अपनी फेस की दही से। अब कर्ड का यूज़ आप कर सकते हो एज ए स्क्रब। तो इसके लिए हमने लेनी है सबसे पहले कॉफ़ी। कॉफ़ी हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छा काम करती है। उसके बाद लेनी है हमने यहाँ पे शुगर। आप जो है ना ब्राउन शुगर भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने शुगर ली है। और अब इसमें ऐड कर लेंगे फिर से कर्ड। 1 टीस्पून यहाँ कर्ड ले लिया। अच्छे से इसको ऐसे हल्का सा मिक्स करना, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा मिक्स करके ना अपने पेस्ट पर जो है इससे हम स्क्रबिंग करेंगे। कर्ड हमारी स्किन से डेड सेल्स को हटा देता है, बहुत ही नेचुरल वे में हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको बढ़ाता है, उसकी वजह से हमारी स्किन पर चमक आती है, बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता है और स्किन को ये हाइड्रेट रखता है। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आप इसका डेली यूज़ कर सकते हो। अगर स्किन पर पफिनेस है, मतलब चेहरे पर पफिनेस है, ये सूजा सूजा सा चेहरा लगता है, उस चीज़ को ख़त्म करेगा, ड्राइनेस ख़त्म करेगा। स्किन पर अगर एजिंग के साइंस हैं तो उनको धीरे धीरे रिमूव करेगा। ओपन पोर्स हैं अगर स्किन पर, मतलब ना हमारी स्किन पर ऐसे बड़े बड़े छेद दिखते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे ये क्लोज कर देता है। अब जब दही में हम कॉफ़ी और शुगर मिला देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया सा स्क्रब बन जाता है। बहुत ही अच्छे से इसकी इस तरह से मसाज करनी है हल्के हल्के हाथों से। आंखों के आसपास भी मसाज करेंगे और नेक एरिया के आसपास भी बिल्कुल अच्छे से मसाज करनी है। एक्चुअली ये जो कॉफ़ी है ना ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है कुछ ही देर में, लेकिन जो हमने इसमें शुगर डाली है ना वो दाने जो हैं वो हमारी स्किन से डेड सेल्स हटाएंगे, जितनी भी डर्ट है हमारी स्किन पर वो सारी रिमूव हो जाएगी। बस इस तरह से आपने छोटा सा एक टॉवल लेके अच्छे से फेस जो है साफ कर लेना। उसके बाद आप वॉश करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी आप इसे छोड़ सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए अगर आप यूज़ कर सकते हैं इसे एज अ क्रीम, जैसे हम मसाज करने के लिए किसी भी क्रीम का यूज़ करते हैं ना, सेम ऐसे ही आप दही से क्रीम बना सकते हो। इसके लिए फ्रेश एलोवेरा जेल लेंगे। उसके लिए मैंने छोटा सा पीस जो है ना एलोवेरा लीफ ली है और इसमें से मैंने ये पल्प निकाल लिया है इसका। अब हमें चाहिए यहाँ पे कस्तूरी हल्दी। किचन की हल्दी आप ना लें, वो पीलापन छोड़ेगी आपकी स्किन पर, इसलिए आपने कस्तूरी हल्दी लेनी है। चुटकी भर आप देख लीजिए मैंने कितनी सी डाली है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन, अगर सूट करता है तो डाल लीजिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। ये जो दो इंग्रेडिएंट है यही बहुत अच्छे से काम करेंगे हमारी स्किन पर। तो आपने ये उसके बाद डाल लेना है कर्ड। 1 टीस्पून जो है कर्ड ले लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा एक क्रीमी टेक्सचर इसका आता है। बढ़िया से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे और अपनी स्किन पर, अपनी फेस पर अप्लाई करेंगे। ये देखिए बस हाथों से ही मैं ये अप्लाई कर रही हूँ फेस पर, क्योंकि हमें करनी है इसकी मसाज। कम से कम आप 10 से 15 मिनट इसकी मसाज जरूर करें, क्योंकि ऐसे सोच लीजिए आप हम पार्लर में हैं और 20 से 25 मिनट हमें देने ही हैं इस पूरे ट्रीटमेंट को। तो आपने 10 मिनट या 10 से 15 मिनट के बीच में आपने मसाज करनी है इस क्रीम से, फिर देखिएगा आपकी स्किन का जो ग्लो है वो किस तरह का आता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन साफ रहती है, उसकी वजह से हमारी स्किन चमकदार हो जाती है, ग्लो करती है। और नींबू में होते हैं स्किन ब्राइटनिंग एजेंट जो हमारी स्किन में साम लाते हैं, स्किन जो है शाइन करती है बहुत ही बढ़िया सी। और एलोवेरा जेल की क्या बात करनी है, तो अब हर दूसरे घर में आपको बड़े से बड़े पौधे मिल जाएंगे। ये स्किन पर एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, इंजाइम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं,
मतलब अगर हम एलोवेरा जेल की तारीफ करने लगेंगे ना तो ये ख़त्म नहीं होगी। मतलब लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारी स्किन के लिए एलोवेरा जेल है ना, एक वरदान है। अगर आपके पास मसाज करने का टाइम नहीं है तो इस पेस्ट को ना अच्छे से फेस पे लगा लें और 10 से 20 मिनट के बीच में इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप फेस वॉश कर लें ठंडे पानी से। मैंने यहाँ पे 12 मिनट्स देख के अच्छे से मसाज की है, पूरा टाइम देख के मैंने मसाज की है और ये मैंने फेस वॉश कर लिया। इतना फ्रेश फील हो रहा है ना, लग ही नहीं रहा है कि वही चेहरा है ये जो बिल्कुल डल जैसा फील हो रहा था। तो मतलब ये वाला जो स्टेप करके ना आपकी स्किन पे जो ग्लो आने वाला है ना, आप हैरान रह जाओगे। दही का यूज़ आप डेली अपने फेस पर करेंगे ना, आपकी स्किन के सारे दाग धब्बे, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी खत्म हो जाएंगी। अभी आप देखिए हम फेस पैक कैसे बनाएंगे दही से ही। सबसे पहले तो यहाँ पे ले लिया मिल्क पाउडर। अब मिल्क पाउडर आपके पास नहीं है तो आप चावल का आटा ले सकते हो। चावल का आटा भी नहीं है तो आप बेसन ले लें। बेसन तो आपको बड़े आराम से अपनी किचन में मिल जाएगा। उसके बाद ये देखिए 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर डालना है। अभी इसमें हम डालेंगे दही, कर्ड का 1 टीस्पून यहाँ पे कर्ड डाल लिया। अब यहाँ पे लेनी है हमने विटामिन ई के कैप्सूल। इवियन के ये कैप्सूल मिलते हैं तो ये आप ले लें। अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, एक्सट्रीम ड्राई है, तो फिर आपने 2 यहाँ पे ये विटामिन ई के कैप्सूल डाल लेने हैं, अदरवाइज आप 1 डाल लें। उसके बाद इसमें डालेंगे हम शहद, जो हमारी स्किन को बहुत ही शाइन प्रोवाइड कराएगा, स्किन को हाइड्रेट रखेगा। जितना भी मॉइस्चराइज हमने अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब किया है उस सारे को लॉक कर देगा। हाफ टी स्पून के बराबर हमने यहाँ पे शहद ले लिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका भी बहुत ही अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आता है। अब हमने इसे एज अ फेस पैक लगाना है अपने फेस पर और 10 से 20 मिनट तक इसको अच्छे से ड्राई होने देना है। फेस पैक आप ब्रश से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं अपने हाथ से ही लगा कर दिखा रही हूँ अपने फेस पर। ये देखिए इस तरह से लगा के ना हल्का हल्का मसाज करते हुए पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। ऑल ओवर द फेस आपने नेक एरिया को भी नहीं छोड़ना है, आंखों के आसपास का एरिया भी नहीं छोड़ना है, पूरे में लगा के अच्छे से इसको हमने 10 से 20 मिनट तक इसी तरह से रहने देना है। अब ये जो हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया है ना, इसमें मिल्क पाउडर में होता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छा सा निखार लाता है, बहुत ही अच्छा सा ग्लो लाता है, चेहरे के दाग धब्बे जो सारे रिमूव हो जाएंगे। अब 20 मिनट्स तक आपने रेस्ट करनी है या अपना काम कर लें, उसके बाद ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से ड्राई हो गया और बहुत ही मेरे आप स्किन देख सकते हो कितनी टाइट फील हो रही है। इसी तरह से अगर हम इसे कंटिन्यू लगाते हैं ना तो इसी तरह से स्किन हो जाती है। अभी क्या करना है, डायरेक्ट इसको वॉश नहीं करना है। यहाँ पे मैंने एक गीला कपड़ा लिया है, कोई भी टॉवल वगैरह आप ले सकते हो। इसको ना हल्के हल्के आपने पूरे को अच्छे से सॉफ्ट कर देना है दोबारा से। ये बिल्कुल स्टिफनेस आ गई हुई है पूरे चेहरे पर, तो इसको ख़त्म कर देना। उसके बाद जो है ना, जब जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद इसको अच्छे से साफ कर लेंगे ऐसे ही और फेस वॉश कर लेंगे। बहुत ही अच्छी सी स्किन आपको फील होगी, ऐसे लगेगा जैसे मॉइस्चराइजर ऑलरेडी आपने लगा लिया है। बट यहाँ पे मैं ये देखिए एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, हल्के से ऐसे लगा के आपने इसको ड्राई होने देना है। बहुत ज़्यादा इसकी मसाज नहीं करनी है, नहीं तो उबटन की तरह ये ना उतरना स्टार्ट हो जाता है। बस ऐसे इसको छोड़ देंगे। ये कर्ड का यूज़ आप हर टाइप की स्किन पे कर सकते हो, ड्राई स्किन है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन में है या नॉर्मल है, सभी में यूज़ हो जाएगा। आपने इस तरह से इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें ऐड कर लेने हैं जो आपको सूट करते हैं। फटाफट से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।